हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाला है बेल्टोन के डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा शर्तों के बारे में। सेवा शर्त यहाँ पे बनने जा रही है, जो कि इस पेपर कटिंग के माध्यम से हम लोग आज जानेंगे कि यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और यहाँ पे बेल्टोन के एमडी सर दोनों मिलके यहाँ पे 19 तारीख को जो निर्णय लेंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस लेटर के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए उस लेटर पे देखते हैं उस लेटर पे क्या क्या लिखा हुआ है और क्या कहा गया बेल्टोन के डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में। तो उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है, पटना की न्यूज है। ठीक है, बिहार सरकार मानव अधिकार आयोग ने बेल्टोन के माध्यम से सरकार के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवा शर्तों को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और बेल्टोन के एमडी को नोटिस जारी किया गया है। दोनों अधिकारी 19 जुलाई को सुनवाई से पहले नोटिस का जवाब देना है। कंप्यूटर ऑपरेटर धर्मेंद्र कुमार ने ग्रेड संरक्षण के लाभ में वंचित रहने के सरकार के खिलाफ मानव अधिकार का आयोग का दरवाजा खटखटाया है। इसका मतलब कि यहाँ पे सेवा शर्तों के साथ साथ यहाँ पे ग्रेड संरक्षण का लाभ नहीं मिलने के कारण ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, इन्होंने सरकार के पास गुहार लगाया है। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही जल्द कुछ गुड न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये 19 जुलाई के बाद आपको पता चलेगा, क्योंकि ये दोनों अधिकारी मिलके उस दिन कैबिनेट में कुछ फैसला लेंगे सेवा शर्तों के बारे में। उसके बाद आप लोगों को सारी चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह की अपडेट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, जब भी यहाँ पे बेल्टोन के कंप्यूटर ऑपरेटर के रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ आती है तो आप लोगों से इस चैनल के माध्यम से शेयर कर दिया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।